आगे हाँ ये इंग्लिश वाला लिखिए जो आपने लिखा है दोबारा से। हाँ या तो हिंदी का लिख दीजिए, हिंदी का तो लिखा नहीं जाएगा मुझसे, नहीं लिखा जाएगा हाँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा, फिर वही लिखे इंग्लिश हिंदी का तो हिंदी का ही लिखिए फिर, है। राइटिंग तो ख़राब चाहिए ना मुझे थोड़ी, अच्छा जो हिंदी में ट्राई मैं करिए। हाँ हिंदी में ट्राई करिए फिर क्योंकि मैं देखिए, लिखता नहीं हूँ ज़्यादातर इंग्लिश, तो फिर इंग्लिश में लिखे चलिए जो आप क्योंकि कंफर्टेबल मेरे हो। को तो इंग्लिश में ही लिखना आता ठीक है। है इंग्लिश में लिखिए। ठीक है रजिस्ट्रेशन नंबर 60333 है, और आपको ये दिक्कत है 3 साल से बढ़ी हुई, वैसे 55 से ही है। हाँ ठीक है और बढ़ी रही है इसके बढ़ रही है, अकॉर्डिंग। और ये दाहिने हाथ में जो कंपन है, ये लिखते समय खाना खाते समय कोई चीज़ उठाने हाँ में, उठा गर्म चीज उठाना, गर्म चीज़ पान उठाने में, ओवरफिल्ड चीज उठाना। हाँ हाँ इसमें ज़्यादा होता है। तो इससे कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं आप? नहीं कुछ नहीं ले रहा, अभी इससे कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं। ठीक क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने कहा कि एक्सरसाइज से ठीक होगा तो मैं वो ही कर रहा हूँ अभी। और ब्लड प्रेशर तो है ही थोड़ा, 90/140। ठीक है यही पैराग्राफ आपको डेली लिखना होगा एक रजिस्टर बना करके। ठीक है अच्छा, इसमें आपने नीचे लिखा नहीं है कि आपको दिक्कत क्या क्या हुई है, कंप्लेंट्स पॉइंट वाइज 1 2 3 4 5 वो लिख दीजिए इसी में नीचे लिख दीजिए। हाँ ड्यूरिंग राइटिंग क्या कंप्लेंट हुई है, हाँ सेक्टर में राइट हैंड फ्रीजिंग ऑफ राइट हैंड जो जो चीज़ें हैं वो सारा लिख दीजिए, तो याद भी रहेगा ना बाद में कि इस राइटिंग ये हमने आज लिखा था क्या दिक्कत हुई थी। ऐसे ही जिस दिन आप लिखिएगा उस दिन का जरूर लिख दीजिएगा नीचे कि क्या प्रॉब्लम हुई है। स्लाइट पेन ड्यूरिंग राइटिंग। सब कुछ सारे सारे प्रॉब्लम्स लिख दीजिए।